करते आ रहे हैं कि प्लास्टिक कभी डिकम्पोज नहीं होगा और हजारों सालों तक डिकम्पोज नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक भी डिकम्पोज होता है। जो बैक्टीरिया प्लास्टिक को डिकम्पोज करते हैं उनका नाम है आइडियोनल्ला सकाएंसिस और वाइब्रियो, जो कि प्लास्टिक को डिकम्पोज करके अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये माइक्रोब्स हमारे जीवन में सच्ची में सुपर हीरो का किरदार निभाते हैं, क्योंकि समंदर और नदी के भाव को रोक कर प्लास्टिक के चीजें बाढ़ जैसी कई अन्य प्राकृतिक विपदाएं ला सकती है। और आइडियोनल्ला सकाएंसिस प्लास्टिक को डिकम्पोज करके कई प्राकृतिक विपदाएं को रोकने का काम करता है। स्टडी के अनुसार यह कहा जाता है 2050 तक जितना समंदर में मछलियों का वजन नहीं है उतना प्लास्टिक का वजन हो जाएगा, इसलिए सरकार ने प्लास्टिक को बैन कर दिया था। मेरा आपसे निवेदन है, आप प्लास्टिक को सच्ची में कुछ कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।